नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव साहू आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये है बिना साउंड कार्ड का आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। तो हम कैसे करते हैं बिना साउंड कार्ड का, इसी का अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से डायरेक्ट हम अपना रिकॉर्ड करना सीखेंगे दोस्तों। इस तरह से जाना है आपको, डिवाइस में जाना है, डिवाइस में जाने के बाद डिवाइस सेटअप में जाना है। इस तरह से आपको देख रहे हैं दोस्तों ACO डायरेक्ट एक्स फुल डुप्लेक्स ड्राइवर लिखा है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, नेट से मिल जाएगा। तो ये तो ऐसा है, लोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि ये CPU में ही इसका ड्राइवर मिल जाता है दोस्तों, ईजी है। तो इस तरह से इसमें सेव करना है आपको, ओके करना है। उसके बाद दोस्तों फिर जाना है आपको, उसके बाद यहाँ जाना है VST कनेक्शन, देख रहे हैं VST कनेक्शन। इस तरह से दोस्तों आपको क्या कर देना है, यहाँ है देख रहे हैं आप, आपको इस तरह से रिमूव पहले कर देना है जो रहेगा उसको। 8 bus में जाना है, यहाँ पे मोनो लेना है, एक ट्रैक, इसमें एक ही चैनल काम करेगा दोस्तों। इसमें क्योंकि साउंड कार्ड नहीं है तो साउंड कार्ड में आप 4 चैनल 8 चैनल जैसे साउंड कार्ड होता है उस तरह से डबल तिबल काम नहीं करेगा, एक ही चैनल काम करेगा। तो इसको हम एक ही करेंगे, ओके करेंगे दोस्तों। इस तरह से देखो मोनो इन लिखा के आ गया, ACO डायरेक्ट एक्स फुल डुप्लेक्स आ गया, देख रहे हैं दोस्तों। ये माइक्रोफोन USB लगा है, माइक्रोफोन USB साउंड मतलब होता है जो ऑरेंज कलर की होता है, वहाँ पे आपको आपके पिन को डालना है, माइक का जो पिन है उसको उसी जगह डालना है दोस्तों। उसके बाद ये आउटपुट देख रहे हैं आप, आउटपुट में फिर उसी तरह से कर लेना है आप इसको। ऐसे तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि डायरेक्ट वैसे ही रहता है, तो भी इसे मैं करके आपको बता देता हूँ जैसे नहीं रहता है तो। स्टूडियो करना है, यहाँ पे एक ही चैनल करना है, ओके करना है। ये आ गया दोस्तों, देख रहे हैं ये इनपुट है, इनपुट में ये इस तरह से मोनो एक है और आउटपुट में मोनो स्टूडियो रहेगा। स्टूडियो इसलिए रहेगा क्योंकि लेफ्ट राइट आपको सुनाई देगा स्पीकर में, दो स्पीकर में, तो इसलिए लेफ्ट राइट स्टूडियो आउट किए हैं दोस्तों। इस तरह से करना है, ये हो गया कंप्लीट दोस्तों। अब इसके बाद हम रिकॉर्ड करके आपको बताते हैं, न्यू लेना है, न्यू ट्रैक लेना है, ओके करना है, फिर ओके करना है। इस तरह से आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, ओके करना है। यहाँ से दोस्तों आपको बोल रहा है कि हम कौन सा फाइल में आप सेव करना चाहते हो, तो इस तरह जैसे डी ड्राइव के अंदर हम सेव करेंगे अपना फाइल को, तो यहाँ पे कोई चीज़ लिख देता है, जैसे सुखदेव लिख दिया, सुखदेव टेस्ट लिख देते हैं, ये अपना डेट डाल दीजिए आज का 20/11/2020। इस तरह से आप ओके करेंगे दोस्त। जितना अभी हम फाइल बनाएंगे उसी जगह जाके अपना जो CPR फाइल है, QBase का फाइल है, मतलब CPR आप समझ रहे हैं, CPR QBase प्रोजेक्ट, CPR का मतलब वही होता है। इस तरह से एड वो तो हो गया दोस्तों सेव करने का तरीका। अब हम रिकॉर्ड करना सीखेंगे, एड ट्रैक लेना है इस तरह से, यहाँ पे मोनो करना है, जैसे 2 ट्रैक 4 ट्रैक जो भी बनाना चाहते हो, जैसे मैं 12 ट्रैक बना दिया तो यहाँ से 12 चीज आपके में आ गया दोस्तों, देख रहे हैं। यहाँ पे हम तो पहला में ही अपना रिकॉर्ड करेंगे अभी फिलहाल इस तरह से दोस्तों। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता, अगर ज़रूरत भी पड़ता है तो आप इस तरह से करेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से ओके करेंगे, अपना रिकॉर्ड करना चालू हो जाएगा, देख रहे हैं। इस तरह से अपने को करना है, हेलो 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 चेक हेलो, इस तरह से रिकॉर्ड होगा दोस्तों। आप देख रहे हैं चैनल में जो ट्रैक है उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस तरह से आप पूरा सेटिंग करेंगे दोस्तों अपना, मतलब PC में ही या लैपटॉप में आप डायरेक्ट ईजी रिकॉर्ड इस तरह से कर सकते हैं बिना साउंड कार्ड के दोस्तों। ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, नमस्कार दोस्तों, ओके थैंक्स।